उत्तरकाशी जिला मुख्यालय अवैध शराब के कारोबारियों का अड्डा बनता जा रहा है। यहां जिला मुख्यालय में कच्ची शराब का कारोबार भी लंबे समय से चलता आ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद अब जाके आबकारी विभाग की नींद खुली। आबकारी विभाग ने शराब के अवैध कारोबार पर उत्तरकाशी में छापेमारी की। इस छापेमारी में आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति को कच्ची शराब बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कच्ची शराब बनाने वाला ये व्यक्ति नेपाली मूल का बताया जा रहा है। आबकारी विभाग ने इससे भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की। अब इस पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।